हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वित्तीय एवं अवित्तीय तकनीकों के बारे में, ठीक है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अवित्तीय तकनीकों को विस्तृत रूप से, मतलब कि पूरा डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अवित्तीय तकनीकों में कौन कौन सी तकनीकें अपने आती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पद एवं सेवा सुरक्षा, प्रशंसा एवं सम्मान, प्रबंध में सहभागिता, प्रभावी नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण। आप एक बात गौर कर रहे हो, यहाँ पर ये जो अवित्तीय तकनीकें होती है ये किससे संबंधित है, ये मनी से संबंधित, पैसे से संबंधित नहीं है। ये मनुष्य की भावनाओं, उसकी इच्छाओं, उसकी संतुष्टि, उस पर उससे क्या करती है, ये सीधा संबंध रखती है। तो सबसे पहले लेते हैं हम पद एवं सेवा सुरक्षा, बहुत ध्यान देना। पद एवं सेवा सुरक्षा क्या बोलते हैं, स्टेटस एंड जॉब सिक्योरिटी। डियर क्या लिखा हुआ है देखो, अब यहां पर ये जो मैंने कुछ शॉर्टकट्स आपके लिए लिखे, इससे क्या होगा, आपने इस पॉइंट को देखा, फिर इसके अंदर के ये मेन वर्ड याद रख लो, आपको पूरा ये एक्सप्लेनेशन पूरा दिमाग में आपके बैठ जाएगा, सिर्फ आपको एग्जाम में एक बार देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये पद एवं सेवा सुरक्षा के बारे में मतलब क्या है सर। देखो यहां पर क्या हो गया, अगर आप एम्प्लॉइज को बोलते हो कि आप हमारी कंपनी में लगे हो, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको तो अपना बेस्ट काम देना है, हम आपको जॉब से कभी नहीं निकालेंगे। सर कभी नहीं निकालोगे का मतलब क्या हो गया, सर मर गया तो डियर उसकी जगह पर उसके बेटे को वगैरह, मान लो उसके ऊपर रिलेटिव है तो उनको जॉब दिया जाएगा। मतलब क्या हो रहा है पता है, उसे सिक्योरिटी दी जा रही है कि तुम तो खुद सिक्योर हो ही रहे हो, तुम्हारे घर का भी हम क्या कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं, तुम्हारा कोई मेंबर होगा हम उसको जरूर लगाएंगे, बशर्ते वह वो जो कुशलता चाहिए उस काम के लिए वो कुशल है उस कार्य में, मतलब वो जो अगला वाला जो लोग लगाएंगे उनके घर से उसमें वो नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जॉब स्थायी हो जाएगा। दूसरी, हायर पोजीशन। अब ये क्या है सर, देखो मैंने क्या बोला था, पद एवं सेवा सुरक्षा। जब कोई कंपनी में कोई इंसान ज्यादा समय तक काम करता है तो वो पसंद थोड़ी करेगा कि वो एक ही स्थान पर रहे, वो चाहेगा कि उसी पदोन्नति हो, तो उसको क्या दिया जाता है, बड़ा पद भी दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, उसके अंदर एक संतुष्टि का भाव आएगा कि यार मैंने इतनी कंपनी को इतने साल दिए, मेरा भी यहां पर प्रमोशन हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, अब वो दिमाग से रिस्क फ्री हो जाता है। क्या हो जाता है, रिस्क फ्री। कैसे, क्योंकि उसको पता है कि उसकी सेवा मुक्ति कब होगी, जब वो रिटायर होगा तब। डायरेक्टली उसको नहीं निकाला जाएगा, उसका रिट्रेचमेंट, उसको छटनी नहीं किया जाएगा। होता है कि नहीं, नॉर्मली आप देखते हो जब रिसेशन आता है, जब ये जैसे COVID-19 का आया तो क्या हुआ, लोगों को जॉब से निकाला गया। अब बताओ यहां पर जॉब सिक्योरिटी तो धरी रह गई, भले उनके कितनी ही ज्यादा सैलरी थी, वो कैसी तकनीक थी, वित्तीय तकनीक थी, उनकी सैलरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन एकदम सीधा जमीन पे ले आया उनको, सीधा जॉब से निकाल दिया। अब बताओ क्या वहां पर जॉब सिक्योरिटी, क्या वहां पर सेवा सुरक्षा हुई, नहीं डियर। तो इसे हम क्या कहेंगे, पद एवं सेवा सुरक्षा। दूसरे पे आते हैं, प्रशंसा एवं सम्मान। प्रशंसा एवं सम्मान बहुत ही सिंपल है, कैसे बताओ, जैसे मान लो किसी बच्चे ने बहुत अच्छा काम करके लेके आया, मैंने होमवर्क दिया था बहुत अच्छा। अब दो बच्चे हैं, ठीक है, एक के राइटिंग एकदम वाहियात है और एक बच्चा बहुत अच्छा काम करके लेके आया, लेकिन मैंने दोनों को चलो ठीक है भाई जाओ बैठो अपनी जगह पर, कॉपी वॉपी चेक की, साइन वाइन किया, उनको बैठा दिया। बताओ जो अच्छा काम करके आया और जो एकदम वाहियात काम करके आया, दोनों में फर्क क्या रहा। लेकिन अगर मैंने तारीफ की होती, जिसने वो अच्छा कार्य किया है, जिसने अच्छी राइटिंग निकाली है, जिसने अपना 100% दिया है, अगर उसकी तारीफ की होती तो मन में उसको क्या फील आती पता है, कि यार सर तो तारीफ करते हो, मैंने अच्छा काम किया हूँ। वास्तव में अप्रिसिएशन हर किसी को चाहिए, प्रशंसा हर किसी को चाहिए, सम्मान हर किसी को चाहिए। तो जब आप कोई एम्प्लॉय आपका अच्छा काम करता है और उसका मैनेजर, उसका एम्प्लॉयर, उसका मालिक, उसका बॉस उसकी तारीफ करता है, तो उसके मन में एक भाव आता है कि यार मेरा बॉस ध्यान रखते हो, मेरी भी तारीफ करते हो, मतलब मेरा भी कोई बॉस के जो दिल है उसमें मेरा क्या है, स्थान है। अब पढ़ते हैं इसे, प्रेज एंड ऑनर। सार्वजनिक प्रशंसा, प्रशंसा भी कैसी होनी चाहिए, सार्वजनिक। 10 एम्प्लॉय खड़े हैं, 10 में से एक, मिस्टर राम ने अच्छा काम किया, देखो हमारे मिस्टर राम ने कितना शानदार काम किया है, आप भी इनके जैसे बनिए, तो अब मिस्टर राम को फील आएगी कि यार बॉस तो बहुत अच्छे आदमी हो, अपने काम को तवज्जो देते हैं, मुझे भी इंपॉर्टेंस देते हैं। सार्वजनिक प्रशंसा होनी चाहिए। दूसरा, अब इससे क्या होगा पता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट, उसका आत्मसम्मान में और वृद्धि होगी। और बाय प्रोवाइडिंग प्रशस्ति पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। सर ये क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, जैसे कभी कभी नहीं होता है, आप स्कूल में देखते हो आपने अच्छा, जैसे मान लो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, ठीक है, बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो इससे क्या होता है, जब वो टैग मिल जाता है उसको, जब वो सर्टिफिकेट मिल जाता है उसको, तो उसको एक भाव आता है अपने मन में कि यार मैं दूसरों से अलग हूँ, मुझे अब और आगे बढ़ना है और अपना 100% देना है। मतलब कि वो कंपनी के लिए, मान लो वो स्टूडेंट है तो वो स्कूल के लिए अच्छा करेगा, अपनी क्लास में सबसे बेस्ट रहेगा, कंपनी में है तो वो क्या करेगा, अपनी कंपनी के लिए अपना बेस्ट पूरा 100% देगा। अब हम आते हैं थर्ड पे, तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या है? प्रशंसा एवं सम्मान है, मतलब एम्प्लॉय की क्या करो, कर्मचारी की क्या करो, तारीफ करो, सम्मान करो, लेकिन कब? अगर उसने अच्छा काम किया है तो। खाली तारीफ ही नहीं करेगा कोई भी बॉस, ऐसे थोड़ी तारीफ करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रबंध में सहभागिता, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, बहुत ध्यान से समझना। फादर अपने घर पे नई बाइक लाने वाले हैं, ठीक है, फादर और उनका बेटा दो ही है घर में, और उनकी मदर वगैरह वो तो है ही है। बताओ, फादर अगर बेटे को पूछेंगे, बेटा कौन सी बाइक लानी चाहिए, बेटे के मन में क्या भाव आएगा पता है? अरे पापा ने मुझे पूछा, मतलब वो मेरी मुझसे भी पूछते हैं, एक मन में भाव आएगा कि नहीं, पापा मेरी मुझको भी इंपॉर्टेंस देते हैं। वही बात डियर यहाँ पर है, मतलब क्या हो रहा है, जो मैनेजमेंट में लोग हैं, जो बॉस वगैरह जो बड़े बड़े लेवल पर है, अगर जब वो कोई डिसीजन ले रहे हैं, जब कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कोई नीति बना रहे हैं, कोई व्यू रचना कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेटजी बना रहे हैं मार्केट के लिए, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, ठीक है, कोई नई मार्केटिंग स्कीम लानी है, तो बताओ अगर वो एम्प्लॉयज को बोलेंगे कि तुम्हारे क्या विचार है, तुम भी बताओ, तुम भी कोई सलाह देना चाहो तो दे सकते हो, तुम्हारे भी कोई वो तो हमें बता सकते हो, और मान लो आपको लग रहा है कि हमारी जो नीति है उसमें कोई कमी है तो वो भी बता सकते हो। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज को लगेगा, कर्मचारियों को लगेगा कि हम हमारा भी क्या है, हिस्सा है प्रबंध में, मतलब वो भी मैनेजमेंट में हिस्सा ले रहे हैं, वो भी प्रबंध में क्या कर रहे हैं, सहभागिता कर रहे हैं। ये देखो, निर्णयन में हिस्सा देना, निर्णयन मींस व्हाट, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना, ओके, स्ट्रेटजी, पॉलिसी मेकिंग, गोल सेटिंग में, किसमें, गोल सेटिंग में, ओके, प्रभावी नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण, इफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविजन, समस्याओं का समाधान, निरीक्षण कार्य, मतलब समझना लीडर कौन सा होता है पता है, जो प्रॉब्लम को लेके नहीं बैठता है, जो सॉल्यूशन के बारे में सोचता है, समाधान के बारे में सोचता है। तो अगर जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, वो अपने एम्प्लॉयज की, अपने कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करेगा तो एम्प्लॉयज के मन में क्या आएगा कि यार बॉस के सामने अगर अपन प्रॉब्लम रखते हैं अपनी, अपन अगर उनसे सॉल्व नहीं हो रही हो तो बॉस उस पर ध्यान देते हैं, मतलब बॉस भी उसकी फिक्र करते हैं, उस प्रॉब्लम के ऊपर अपना दिमाग लगाते हैं, तो उनके मन में क्या आएगा, ये कंपनी तो अपने लिए अच्छी है, बॉस अपने लिए अच्छे हैं, तो वो और दिल से काम करेंगे और मन लगा के काम करेंगे। आगे क्या है, एवं पर्यवेक्षण, देखो सुपरविजन होना बहुत जरूरी है, मतलब क्या हुआ, निरीक्षण कार्य, एम्प्लॉयर को, बॉस को जाके देखना चाहिए वर्किंग प्लेस पे कि कौन काम कर रहा है, कौन अपना 100% दे रहा है, कौन बिना मन लगा के काम कर रहा है, कौन खाली यहाँ पर टाइम पास कर रहा है, कौन खाली ऐसा है जो आया और गया काम से, जिसको मतलब ही नहीं है, ऐसे लोगों का क्या रखेगा बॉस, ध्यान रखेगा। अब बताओ इससे क्या होगा, उसको पता चलेगा कि अगले साल या अगले महीने या फिर कोई जब नया उनको टारगेट दे रहे तो किसको प्रमोट करना चाहिए, मतलब किसका पद ऊपर वाले पद पर लाना चाहिए, मतलब पदोन्नति करनी चाहिए, और किसका डिमोशन करना चाहिए, मतलब पद स्थापन सीधा नीचे वाले लेवल पे लाना चाहिए, किसको नया ऑफिस प्रोवाइड करना चाहिए, कौन किसको बड़े लेवल पे भेजना चाहिए, इससे बॉस को क्या होगा पता चल जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अधिकार प्रत्यायोजन, ध्यान देना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बताओ ताली कितने हाथ से बजती है, दोनों हाथ से बजती है, तो बहुत ध्यान देना, सिर्फ किसी इंसान को कर्तव्य दे देना, दायित्व देना काफी नहीं है, उसे अधिकार भी दो और दायित्व भी दो। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, सिर्फ ड्यूटी नहीं अधिकार भी दो, इसका मतलब समझो, मिस्टर राम है, उनके अंडर में एक्स वाई जेड और ए चार लोग काम करते हैं, ठीक है, राम को बोला कि तुम्हारा साल का टारगेट है, इस साल 2,00,000 सेल्स का टारगेट है, कितना है 2,00,000 का सेल्स का टारगेट है, उनको ड्यूटी तो दे दी। अब ये राम को काम किससे करवाना है, उसके अंडर में जो चार लोग काम कर रहे हैं, अब खाली ये बोला है कि तुमको इनसे ये काम लेना है, लेकिन डियर अब ये राम जाके बोलेगा एक्स वाई जेड और ए को बोलेगा कि भाई अपने साल का सर ने टारगेट दिया है 2,00,000 का, तो 50,000 सबको ये टारगेट पूरा करना है, सबके भाई बांट दिया। अब बताओ अगर एक्स वाई जेड और ए अगर ढंग से काम नहीं कर रहे तो क्या उन्होंने, बॉस ने क्या राम को अधिकार दिया कि तुम चाहो तो इनमें से एक को फायर कर सकते हो, मतलब एक को निकाल सकते हो, क्या ऐसा अधिकार दिया? नहीं, कि मतलब तुम चाहो तो इनकी सैलरी को कम करवा दोगे, तुम चाहो तो इनका वर्किंग आवर्स बढ़ा देंगे हम, क्या ऐसे अधिकार दिए? क्या बॉस ने मिस्टर राम को ऐसे अधिकार दिए? नहीं दिए। तो अब राम तो क्या होगा पता है, राम को खाली क्या बोला है कि तुमको इनसे ये 2,00,000 का सेल्स का टारगेट पूरा करवाना है, राम कैसे करवाएगा, क्योंकि राम को तो अधिकार दिए ही नहीं है। इसलिए बच्चों जब भी किसी को कोई अधिकार, जब भी किसी को कोई दायित्व देते हो तो साथ में उसको अधिकार भी दो, इससे क्या होता है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आती है, और क्या आती है ट्रस्ट भी बढ़ता है, इससे क्या होता है ट्रस्ट बढ़ता है और फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्रीमेंट होता है। कैसे, अब बताओ राम को क्या लगेगा, यार बॉस ने मुझे बोला है तो मुझे इनसे काम लेना है, ठीक है, अगर मान लो कोई
मिस्टर राम के अंडर में जो चार लोग काम कर रहे हैं एक्स वाई जेड और ए, और अगर ये ढंग से काम नहीं कर रहा है तो राम को पता है कि भाई बॉस ने मुझे अधिकार दिया हुआ है, सीधा ये को फायर कर लेंगे। फायर मतलब क्या, उसको जॉब से निकाल देंगे, उसकी जगह कोई दूसरा बंदा ले आएंगे। तो इस प्रकार से खाली क्या कर्तव्य नहीं, अधिकारों का प्रत्यायोजन भी होना चाहिए, मतलब अधिकारों का बंटवारा भी होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं कार्य विस्तार एवं कार्य परिवर्तन। बहुत ध्यान से देखना, जॉब एक्सपांशन एंड ऑल्टरेशन मतलब क्या बढ़िया, कार्य विस्तार का मतलब क्या हुआ, जो आपका कार्य है, जो आपने काम दिया है एम्प्लॉयज को, उसको क्या कर दो, बांट दो, पूरे ग्रुप के अंदर बांट दो। ठीक है, मान लो 12th क्लास का कोई अपना कोई कार्य था, तो जितने भी टीचर्स हैं कॉमर्स वाले, साइंस वाले, आर्ट्स वाले, उन सब में वो काम बांट दिया। अब इससे क्या होगा पता है, वो जितने भी फैकल्टीज मेंबर है वो सब मिलके काम करेंगे, क्या करेंगे, सब मिलके काम करेंगे। और इससे क्या होगा, ये देखो पूरे ग्रुप को डिफरेंट काम देना, इससे क्या होगा, समूह भावना का विकास होगा। क्या होगा, समूह भावना का विकास होगा। दूसरा क्या है, एवं कार्य परिवर्तन मतलब डियर क्या है यहां पर, जॉब ऑल्टरेशन। देखो इसको समझो, माना कि मिस्टर पिंटू मेरे पास काम करता है, कौन, मिस्टर पिंटू मेरे पास काम करता है, उसको मैंने काम दिया हुआ मार्केटिंग का, किसका काम दिया हुआ, मार्केटिंग का। ठीक है, पहले साल में भी यही काम करता था, दूसरे साल में भी यही कर रहा है, तीसरे साल में भी यही कर रहा है, भाई माना कि वो मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो गया है, लेकिन तीसरे साल के एंड में वो मुझे आके बोलेगा, अरे बॉस, अरे साहब मेरा काम चेंज करो, क्यों, मैं बोर हो गया हूँ बार बार ये मार्केटिंग से। भाई होता है ना, एक लेवल के बाद मोनोटोनस हो गया, क्या हो गया, बार बार वो एक रूपता आ गई काम की। अब मान लो आपको मैंने बोला एक पेंटिंग बनाओ, ठीक है, और मैंने, आपने पूछा सर क्या बनाना, मैंने बोला हाथी बना बेटा। ठीक है, अब आपने बनाया एक बार, सर आपकी क्या बनाओ, हाथी बना, तीसरी बार भी हाथी बना, अरे यार बोर हो गए हाथी बना बना के, क्यों सर, कुछ डिफरेंट टास्क दो, क्योंकि किसी भी इंसान को, क्या आप एक ही मजाक पर 10 बार हंस सकते हैं, नहीं, एक बार, एक मजाक पर एक बार हंसना आता है, दो बार हंसना आता है, बार बार हंसना थोड़ी आता है। तो वही बात है डियर काम में भी, कि कोई भी इंसान किसी काम को एक लेवल तक ही पसंद करता है, उसके बाद उसमें बोरियत आनी शुरू हो जाती है। तो उस बोरियत को दूर करने के लिए बॉस को क्या करना चाहिए, हर बार एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक विशेष समय के बाद क्या करना चाहिए, उसका जो कार्य उसे दिया है उसमें परिवर्तन करना चाहिए। मान लो मेरे यहाँ पर मैंने किसी बंदे को रखा, उसको मैंने बोला कि आपको क्या करना है, जो भी ये अपने टाइपिंग का काम है ये सब आपको करना है। अब टाइपिंग कर रहा था एक साल तक टाइपिंग की, अब भाई टाइपिंग से बताओ क्या वो बोर नहीं होगा। अब मैंने बोला अब आप एक काम करो, 6th, 7th, 8th के जो बच्चे हैं उनको आप हिंदी पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ। उसको नॉलेज था, ठीक है, वो ग्रेजुएट था। अब उसके मन में क्या आया, अरे हाँ यार टाइपिंग का काम तो सीख लिया है, थोड़ा छोटा मोटा बच्चों को भी पढ़ाने का, और उसको रुचि थी, उसको रुचि थी, लेकिन पहले साल मैंने उसे वो काम नहीं दिया, लेकिन अगले साल दिया। तो अब उसमें क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो समझदार होगा, वो और भी होशियार होगा, इससे क्या होगा, वो बोर नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं अधिकार प्रत्यायोजन के बाद कार्य विस्तार एवं कार्य परिवर्तन हो गया। और हाँ एक और बात ध्यान रखना, जॉब ऑल्टरेशन करने से, कार्य में परिवर्तन करने से इंसान की हमेशा ग्रोथ ही होती है, मतलब क्योंकि उसके दिमाग में सीखने की चीजें ज्यादा आती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, और वो क्या है, ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा। देखो अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका मोरल बढ़ता है, उनका नॉलेज बढ़ता है। सर होता क्या है, समूह चर्चा, अगर आपको पता हो आपके क्लास में जब आपको लगता है कि यार ये हमारे जो इकोनॉमिक्स के टीचर है, ये जो हमारे अकाउंट्स के टीचर है, या फिर हमारे बीएसटी के टीचर है, या इंग्लिश के टीचर है, इनमें कोई कमी है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप जाके, आपने क्या किया, चलो एक काम करते हैं, रिसेस तक का वेट करते हैं, लंच अपने, क्योंकि ब्रेक आएगा उसका वेट करते हैं, सब बाहर गए, सब अपना टिफिन लेके बैठे थे। अब पता है क्या चलेगी, समूह चर्चा चलेगी, क्या चलेगी, कि यार तेरे को समझ में आया, कि यार मेरे को भी नहीं आया, तेरे को सबसे होशियार को पूछा, तेरे को आ रहा है, लेकिन नहीं भाई अपने तो सीधे बाउंसर जा रहे हैं। अब बताओ क्या होगा, उनके बीच में चर्चा होनी शुरू हुई, समूह चर्चा हो रही है, उनमें समूह भावना का विकास हो रहा है। अब वो सब मिलकर क्या करेंगे, जैसे ही वो पीरियड आएगा, जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे, सब जाएंगे प्रिंसिपल सर के पास, या किसके पास जाएंगे, डायरेक्टर सर के पास, कि सर माफ करो, लेकिन आपको हम बता दें कि ये जो आपने नई फैकल्टी लगाई है, हमको तो इनसे समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज कृपा करके आपका करे, हमारी फैकल्टी चेंज करे। आपको दिमाग में बैठा, अब वो डायरेक्टर साहब या प्रिंसिपल सर को लगेगा मन में कि एक बंदा नहीं आया है, पूरा ग्रुप आया है, और ये सब मतलब क्या करके, प्लान करके आए हैं। डियर इन्होंने क्या किया, समूह चर्चा की है और सबने मिलकर डिसीजन लिया है। इससे क्या होता है, टीम स्पिरिट का विकास होता है, समूह भावना का विकास होता है। तो ऐसा का ऐसा कहां पर होता है डियर, ध्यान देना, ऐसा का ऐसा कंपनी में होता है, कैसे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं में होता है, कैसे डियर। मान लो अपने एम्प्लॉयर ने बोला, मालिक ने बोला कि इस साल का अपना टर्नओवर का अपन का टारगेट है 1 करोड़। कितना है, 1 करोड़ का टारगेट है, ध्यान देना, 1 करोड़ का टारगेट दिया, सारे एम्प्लॉयज को बोल दिया। अब एम्प्लॉयज के जैसे ही ब्रेक हुआ लंच का, जो बैठे थे एक जगह,
उनमें ये बात चली कि भाई क्या लास्ट ईयर का टारगेट क्या था, देखिए यार 20 लाख 20 लाख का टारगेट था और इस साल कितना है 1 करोड़, क्या दिमाग खराब है बॉस का, पॉसिबल ही नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो आप बताओ क्या होगा। वो सब मिलेंगे और बात करेंगे कि एक काम करते हैं, सर को जाके बोलते हैं सर ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अचीव नहीं कर पाएंगे, कितनी भी ताकत लगा दे, क्योंकि इतने इक्विपमेंट ही नहीं है अपने पास, इतनी मशीन ही नहीं है, इतना अपने पास रिसोर्सेज संसाधन ही नहीं है। सबने मिलकर सोचा अपना टारगेट 50 लाख तक का कैसा है उसको हम अचीव कर सकते हैं, पूरी जान लगाएंगे तो 50 लाख तक का टारगेट पूरा कर सकते हैं। और वो जाएंगे बॉस के पास और अपनी क्या करेंगे, ये जो उन्होंने डिसीजन लिया उनकी जो मतलब सुझाव है ये जाके बॉस को बताएंगे। तो हम कह सकते हैं इससे क्या होता है, एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका मोराल बढ़ता है, उनका नॉलेज, उनके ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है। कई बार क्या करते हैं एम्प्लॉयर जो मालिक होते हैं वो खुद भी बोलते हैं कि भाई हमने ये डिसीजन लिया है, एक बार आप भी सब सोच समझ के बता देना, तो सारे एम्प्लॉयज मिलकर उस पर विचार करेंगे, तो इससे भी क्या होगा, समूह भावना का विकास होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, विकास के अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। बाय द वे अपन क्या पढ़ रहे हैं, अवित्तीय तकनीकें, अवित्तीय तकनीकें मतलब जिनका वित्त से संबंधित, मनी से संबंध नहीं है, रुपये पैसे से संबंधित संबंध नहीं है। तो देखो यहां क्या लिखा हो, विकास के अवसर, कोई इंसान अगर आपके कंपनी में लगा है जैसा आया था वैसा ही बाहर जाएगा तो बताओ क्या उसका विकास हुआ नहीं, और अगर उसको ट्रेनिंग दी होती, उसको डेवलपमेंट के अवसर, विकास के अवसर दिए होते तो वो जब कंपनी छोड़कर जाता तो 20 था तो 25 बन के जाता, मतलब उसका नॉलेज इंक्रीमेंट होना चाहिए, उसकी लर्निंग बढ़नी चाहिए। ये देखो प्रशिक्षण सुविधा देकर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। वापस मैं एक ईजी वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई स्कूल थी ठीक है 10th तक हिंदी मीडियम की स्कूल थी, लेकिन अब वो कन्वर्ट होने वाली है इंग्लिश मीडियम में, किसमें, इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होने वाली है, तो बताओ वहां के टीचर्स को इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अगर उन टीचर्स को प्रशिक्षण न दिया जाए, ट्रेनिंग न दी जाए तो वो कैसे पढ़ा पाएंगे। और अगर वो जो डायरेक्टर साहब है, जो प्रिंसिपल सर है, बाहर की फैकल्टीज को बुला के, स्पोकन वालों को बुला के उनकी अगर स्पोकन सुधारी जाए, उनको अगर स्पीकिंग करवाई जाए, उनको सिखाया जाए, प्रशिक्षण देकर, ट्रेनिंग देकर, तो बताओ वो क्या करेंगे, वो सीखेंगे, उनको लर्निंग का अवसर मिल गया, तो इसे डियर क्या बोलते हैं, विकास के अवसर। एक और एग्जांपल लो, अब जैसे ये कोविड का वक्त आया ठीक है, तो सबको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, अब टीचर्स ने कभी ऑनलाइन पढ़ाया ही नहीं, तो स्कूल वालों ने क्या किया, बाहर जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है वहां की कुछ फैकल्टीज को बुलाया और सारे इक्विपमेंट लाए और टीचर्स को बताया देखो ये आपको ट्रेन करेंगे, और वो ट्रेनर आए और उन्होंने क्या किया, टीचर्स को ट्रेन किया। अब बताओ उनको विकास के अवसर मिले, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में हमेशा ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया था, उन्होंने कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था, लेकिन अब उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना सीख लिया। इसको बोलते हैं विकास के अवसर प्रदान करना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रतिस्पर्धा एवं चुनौतियां, मतलब क्या हुआ, कॉम्पिटिशन एंड चैलेंजेस। ध्यान देना, जब भी इंसान के सामने कोई कंपटीशन आता है, कोई चैलेंज आता है, तब हमेशा वो आगे ही बढ़ता है, पीछे नहीं जाता है। और अगर मान लो उस चैलेंज को वो पूरा नहीं कर पाता है तो कुछ ना कुछ सीखता जरूर है। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी आपके सामने कोई चुनौती आए, कोई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़े, उसको हंस के स्वीकार करना, ठीक है। यहां पर क्या है, विक्रय चुनौतियां दे दी मालिक ने, क्या दी, विक्रय चुनौतियां। अब इसको ध्यान से समझो, वही मेरा सेल्स वाला पॉइंट, एक ही एग्जांपल को आप दिमाग में रखो, कोई लोड नहीं आएगा। विक्रय चुनौतियां, भाई मैंने बोल दिया भाई मिस्टर राम अगर आप चाहते हो कि आपकी सैलरी 10,000 से 15,000 हो, तो मुझे आपके जो सेल्स का टारगेट महीने का होता है 30,000 का, उसको आप 40,000 में कन्वर्ट करो। मतलब आप जो महीने में 30,000 की सेल करते हो वो अब नहीं चलेगी, अगर आप 40,000 की सेल्स कर लेते हो तो आपकी सैलरी 10,000 से हम 15,000 कर लेंगे। बताओ मिस्टर राम को क्या मिला, चैलेंज मिला, क्या मिली, चुनौती मिली। अब इससे क्या होगा, उनको पता चलेगा कि यार अब मुझे और दौड़ना है, और मेहनत करनी है, और इससे वो आगे ही बढ़ेंगे। तो क्रिएशन ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन, इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का क्या होता है, विकास होता है। और जब कॉम्पिटिशन बढ़ता है, चैलेंजेस बढ़ते हैं, तो कर्मचारी क्या होते हैं, उनको पूरा करते हैं, उनकी एफिशियंसी मतलब कार्य कुशलता क्या होती है, बढ़ती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आपका लास्ट पॉइंट है, स्वस्थ वातावरण। स्वस्थ का मतलब यहां पर क्या है, मतलब ये नहीं कि स्वस्थ एक तो बॉडी होती है, यहां पर क्या है, यहां पर इसका मतलब है अच्छा वातावरण। कैसा वातावरण, अच्छा वातावरण। अब आप ही सोचो, जिस क्लास में आप बैठे हो, जहां पढ़ रहे हो, जिस स्कूल में, अगर वहां कचरा पड़ा हो तो ठीक है, जिस आप दरवाजे को खोलते हो, अगर उस दरवाजे को खोलते समय आवाज आ रही हो तो, जिस व्हाइट बोर्ड पे आप देखते हो कि सर लिख रहे हैं, अगर उस व्हाइट बोर्ड पे आपको अक्षर साफ ना दिखाई दे तो, मतलब क्या है, वहां का जो कार्य वातावरण है, जो वहां का माहौल है, वो नेगेटिव है, वो नकारात्मक है, क्या बच्चों आपकी पढ़ाई हो पाएगी, नहीं। तो डियर ये का ये अप्लाई होता है कंपनीज में, ये का ये अप्लाई होता है संस्थाओं में, वहां पर भी क्या होता है, जहां वो कर्मचारी सारे मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं, जिस कार्यालय में काम कर रहे हैं, वहां का माहौल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए,
उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। मान लो गर्मी का मौसम है तो वहाँ वाटर कूलर लगाओ, ठीक है। अब जब जैसे मान लो एम्प्लॉयज का काम कैसा है, फैक्ट्री का काम है, पर आयरन की फैक्ट्री है, ठीक है, लोहे की फैक्ट्री है, तो वहां पर क्या होगा, गर्मी का कार्य होता है, तो जैसे ही उनका ब्रेक आता है लंच का, तो वहां पर ऐसी सुविधा होनी चाहिए डियर कि वहां पर जाके वो कुछ समय के लिए बैठ सके, वहां पर उनको हवा मिल सके, आराम मिल सके। और अगर मान लो ऐसी सुविधाएं दो जिससे कर्मचारी को लगे कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर सुख सुविधाओं का भी हमारा ध्यान रखा जाता है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सारी टेक्निक्स जो आपने पढ़ी, इनका संबंध किससे संबंध नहीं है, इनका रुपये पैसे से संबंध नहीं है, ये सारी अवित्तीय तकनीक है, इनका मानसिकता, भावनाएं, स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, इन सबसे संबंध है। So this is how we have completed our non-financial technique. इस प्रकार से हमने कौन कौन सी टेक्निक पूरी की, non-financial techniques को पूरा डिटेल में समझा। अगर आपको एक सिंगल भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।